आईजी रेंज वाराणसी एसके भगत द्वारा थाना रोहनिया का वार्षिक निरीक्षण रविवार को किया गया। निरीक्षण के दौरान आईजी द्वारा सीसीटीएनएस महिला हेल्प डेस्क कार्यालय मेस पैरक तथा थाने पर हो रही निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया गया। इसके बाद थाने के माल खाने में मौजूद असलहों गोला बारूद आदि का निरीक्षण किया गया और हथियारों के साफ सफाई तथा उसके रखरखाव संबंधी आदेश संबंधित को दिया गया। साथ ही अधूरी पड़ी रजिस्टर को पूर्ण व साफ सफाई समुचित ढंग से करने का निर्देश इंस्पेक्टर रोहनिया विमल कुमार मिश्रा को दिए। देखिए आज हमारी अर्धवार्षिक मुआयना थी जो है, जो हमारे नियतन के हिसाब से जो हमारे निर्धारित कोटा के जो है मुआयना में उसी क्रम में सभी जनपदों में भ्रमण करके वार्षिक निरीक्षण अर्धवार्षिक कार्रवाई की जा रही है सभी अधिकारियों के सर। यहाँ जो वार्षिक निरीक्षण आप द्वारा किया गया उसमें क्या पाया गया आप द्वारा? देखिए ऐसा है कि निरीक्षण में कुछ कमियाँ थी, जो कमियाँ थी छोटी मोटी उनको कुछ रजिस्टर्स अप टू डेट नहीं थे और कुछ साफ़ सफाई में कमी है तो उनको सभी को निर्देशित किया गया। चूँकि निरंतर VIP विजिट्स थी, उनका कहना है कि VIP विजिट्स के वजह से रजिस्टर्स अप टू डेट नहीं हुए और उनको शीघ्र अतिशीघ्र 3 दिन में कर दिया जाएगा। उनको 3 दिन का समय दिया गया है और वो जो है सारे रजिस्टर्स अप टू डेट करके दोबारा SP साहब को वो सील कराएंगे। और मुख्य मकसद थाने की रखरखाव की थी, उसको देखने का था। उसके अलावा आने वाले आगामी चुनाव की तैयारियां किस तरह से हैं, सारे रजिस्टर्स जितने अवांछनीय तत्व हैं, असामाजिक तत्व हैं जो चुनाव में गड़बड़ी फैला सकते हैं उनकी सूची बन गई है नहीं बनी है, जो मुख्यालय स्तर से और आयोग स्तर से जो प्रारूप आए हैं उस पर सूचनाएँ सही ढंग से प्रेषित हो रही है नहीं हो रही है, उसमें क्या सुधार हो सकती है, कैसे सकुशल चुनाव अच्छे से संपन्न कराया जा सके उसकी गहन समीक्षा की गई है और उसमें जो भी कमियां थी 2-4 दिन में इनको निर्देशित कर दिया गया है कि वो उसको ठीक करें। वार्षिक निरीक्षण के दौरान सर आपको सामने व्यापारियों द्वारा एक जो है परम यहाँ मोहन चौकी को लेकर भी बातचीत हुई है। देखिए वो एक अस्थायी चौकी मोहन सराय में था, क्योंकि आपको आप अवगत हैं कि मोहन सराय में नो बनारस सिटी में नो एंट्री के वजह से काफ़ी जाम हो जाती थी। वहाँ एक अस्थायी चौकी पहले खोली गई थी जो 10-12 साल से कार्यरत थी। वहाँ के कुछ व्यापारियों का कहना था कि इधर के लोगों को दिक्कत हो रही है मोहन सराय जा के चौकी में दरख्वास्त वगैरह देने के लिए, तो उसके संबंध में SP साहब को बता दिया गया है, वो समीक्षा कर लेंगे। अगर अस्थाई चौकी की आवश्यकता नहीं है वहाँ पे, क्योंकि अब जो है नई बाईपास खुल गई है और अस्थाई चौकी की ज़रूरत नहीं है, तो वो चौकी को तोड़ के उसको थाने में उनके फोर्स को अटैच कर दिया जाए और वहाँ पिकेट और PRB की ड्यूटी लगे।